हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। सिक्किम राज्य जो है सिक्किम राज्य ने इस बार अपना नया साल महोत्सव मनाया है तामु लोसर। कौन लोग मनाए हैं? तो ये नेपाली गुरंग समुदाय ने मनाया है। नेपाली गुरंग सागर कौन है? तो ये गुरंग मध्य नेपाल में हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर रहने वाले पहाड़ी लोग होते हैं, गुरंग समुदाय। यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ होती हैं? लेपचा होते हैं, नेपाली होते हैं और भूटिया होते हैं। नेपाल से सटी हुई जो सिक्किम से सटी हुई जो बाउंड्री है वो नेपाल है, मतलब नेपाल सिक्किम के साथ में सीमा साझा करती है। अगला है, भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को हरा करके 6-5 से मध्य प्रदेश ने जीता है। ओडिशा को हरा करके 6-5 से। और महिला में मध्य प्रदेश को 2-0 से हरा करके हरियाणा ने जीता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं रवि हरियाणा से, बेस्ट डिफेंडर रहे हैं सुंदरम रजावत बेस्ट डिफेंडर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। और बेस्ट स्ट्राइकर भी मध्य प्रदेश से रहे, नाम है अली अहमद। तो पुरुष अंडर 18 में ओडिशा को हरा करके मध्य प्रदेश ने जीता है। और महिला यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 में मध्य प्रदेश को हरा करके हरियाणा ने जीता है। और ये सारे जो हैं वो भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सुंदर रमन राममूर्ति। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। कजाकिस्तान के अलमाटी में फीडे विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। ये आपका कजाकिस्तान में हुआ, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ है। नाम है फीडे विश्व ब्लिट्स शतरंज और इसमें भारत की पहली रजत पदक जीती हैं कोनेरू हम्पी। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। विजेता जो रहे हैं इस गेम में, शतरंज चैंपियन में, वो हैं बीबीसारा बालबायेवा, ये विजेता रहे हैं। इसके बाद कुछ अनेक जो अन्य जानकारी है वो ये है कि विश्व रैपिड शतरंज अगर आपसे पूछा जाए चैंपियनशिप, तो उसमें पुरुष में विजेता रहे हैं नॉर्वे से मैग्नस कार्लसन, ये चौथी बार जीते हुए हैं। और महिला में चीनी ग्रैंड मास्टर टैन झोंगी विजेता रही हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। भारत से कुल कितने लोग जीते हैं? एक सविता श्रेणी जीता है भारत से। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक। भारत से केवल 3 ही शतरंज में रहे हैं चैंपियन, विश्वनाथ आनंद, सविता श्री और कोनेरू हम्पी। अब तक भारत से सिर्फ 3 ही लोग रहे हुए हैं चैंपियन, विश्वनाथ आनंद थे, सविता श्री, फिर कोनेरू हम्पी हैं। नेक्स्ट है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये राष्ट्रपति बनी हैं, 29वें राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? ब्राज़ील के। ब्राज़ील जो है ये 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ब्राज़ीलियाई रियल। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान किसने संभाला है? पंकज मोहन सिन्हा ने संभाला है। इस बार भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान पंकज मोहन सिन्हा ने संभाला है। अब यहाँ पे सबके हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, जो हेडक्वार्टर एकाक प्रश्न पूछे जाते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न का है गांधीनगर में, सेंट्रल एयर का है प्रयागराज में, ईस्टर्न का है सिलोंग में और साउदर्न का है तिरुवनंतपुरम में केरल के। अब कुछ ट्रेनिंग कमांड है वो बंगलुरु में है हेडक्वार्टर इसका, और मेंटेनेंस कमांड जो है वो नागपुर में है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2003 को भारतीय कांग्रेस के 108वें संस्करण को संबोधित किया है। कौन सा ये संस्करण था? तो 108वां संस्करण था। 2003 में भारत को 2003 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भारत ने मनाया है? बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। 2023 को दुनिया भर में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण यानी साइट के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए
कितने रुपए को मंजूरी दी गई है? 17,490 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी गई है। ये जो आपका मिशन है साइट, ये मिशन देश में लगभग 125 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ में प्रतिवर्ष 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन्स की हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास में मदद करेगा और 2030 में लगभग 50 MMT प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को करेगा ये। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने गुजरात के सूरत में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत में। अगला है कि प्रज्वला जो चैलेंज है इसको किस मंत्रालय के तहत में लॉन्च किया गया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई है, तो इस कमेटी के प्रमुख कौन है? नित्यानंद राय हैं। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल जो होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए कुछ ये भाषा तरीके से होती है उनको पढ़ने के लिए, उसे ब्रेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विश्व ब्रेल दिवस है वो कब मनाई जाती है? हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है और ये हर साल लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए राज्य आइकन के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये जो बना था चुनाव आयोग, ये 25 जनवरी 1950 को बना था आर्टिकल 324 के तहत। अब जो इलेक्शन कमीशन है चुनाव आयोग भारत का, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दो इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका नाम है राजीव कुमार और जो दो इलेक्शन कमीशन है उनमें से एक है अरुण गोयल और दूसरे हैं AC पांडे। पीएम ने वाराणसी से असम के लिए दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज लॉन्च किया है। वाराणसी से असम के लिए नाम है रिवर क्रूज। ये कहाँ से होकर के गुजरेगा? तो ये बांग्लादेश से होकर के गुजरेगा। आपसे पूछा जाए रिवर क्रूज किस देश से होकर के गुजरेगा, तो ये बांग्लादेश से होकर के गुजरेगा। कब लॉन्च हुआ है? 13 जनवरी को लॉन्च हुआ है। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का ये 17वां संस्करण था, कहाँ पे आयोजित हुआ है? इंदौर में आयोजित हुआ है। शुरुआत किया था प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया हुआ था 9 जनवरी को जब गांधी जी लौटे थे। इसको NRI डे भी कहते हैं और इस बार जो संस्करण हुआ है उसमें पुरस्कार दिया गया है टोटल 27 लोगों का। पुरस्कार देने के लिए जो चयन किया गया है टोटल 27 लोगों का चयन हुआ है और इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। जो प्रवासी भारतीय दिवस 2003 है उसकी थीम क्या थी? थीम पूछी जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, थीम पूछा जाता है। थीम था इस बार डिस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डिस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है, 2021 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों, नाम है DSEB यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है DSEB का। तो 2021 में जो ये बैंक है इसकी ये जो सूची बनाई गई है, सूची बनी है, उसमें कौन कौन बैंक शामिल हैं? तो इसमें ICICI बैंक शामिल है, HDFC बैंक शामिल है और SBI बैंक शामिल है। आपसे पूछा जाए कौन शामिल नहीं है, तो PNB इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 जनवरी को आप जानते हैं कि हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस देश में आयोजित हुई? तो ये फिजी में आयोजित हुआ था। थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपके जनवरी का करेंट अफेयर है और ऐसे ही सेशन चलते रहेंगे और आपके EPFO, EOAO और APFC एग्जामिनेशन में, अगर जब भी एग्जामिनेशन मान लीजिए जुलाई में होगा तो उससे 1.5 वर्ष पहले का आपका, मतलब उससे लेकर के 1.5 वर्ष तक पूरे 1.5 का करेंट अफेयर पूछता है। ठीक है, तो ऐसे हम डेली करेंट अफेयर कवर करेंगे टोटल 5 दिनों तक।